भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी ने आज सांसद डॉक्टर केपी यादव एवं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन फॉर्म जमा किया। भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता पिछोर को जिला बनाने की है और नौजवानों को रोजगार दिलाने की। भाजपा प्रत्याशी से फर्स्ट समाचार संवाददाता ने की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सचिन राज भट्ट और आज भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी जी ने नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ गुना सांसद केपी यादव जी भी आए और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया। आइए बात करते हैं प्रीतम सिंह लोधी जी से, किस तरह से ये चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे और क्या उनका कहना है। नमस्कार भाई साहब, आज जो है आपने नामांकन दाखिल किया है, किस तरह से ये चुनाव की रणनीति और किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, चुनाव यहाँ की जनता और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। ये आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि जनता पूरी तरह से अपने होशों में और लवालब भरी होकर और चुनाव मैदान में कूद पड़ी है और स्वयं जनता चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ के। लेकिन वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के विधायक जी 30 साल से विधायक बने कांग्रेस के, वो एक ही बात पर विधायक बनते थे, वो एक ही बात कहते थे कि लोधी बन गया तो आम जनता को खा जाएंगे। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब लोधी को टिकट क्यों दे दिया यहाँ के विधायक जी ने? अपन धीरे से पतली वाली गली से खिसक गए और लोधी को फंसा गए। अब नहीं कह रहे वो कि लोधी खा जाएगा। कहीं ना कहीं दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस से लोधी है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वोटों में कम हो गई, जो पहले आपको वोट प्रतिशत मिल रहा था अब थोड़ा सा नुकसान हो सकता है? अरे नुकसान नहीं है, अब तो लाभ है। क्यों लाभ है? क्या है कि 30 साल से इन विधायक जी ने एक भी समाज को नेता बनने नहीं दिया और उसने नेता नहीं बनने दिया, उसका ये खामियाना आज ये भुगत रहे हैं कि पहले तो मेरे पे खबर आई कि प्रीतम लोधी कांग्रेस से लड़ लो चुनाव, फिर हमारे कार्यकर्ताओं पे आई, फिर ग्वालियर के कार्यकर्ताओं पे पहुँचे ले लो टिकट, फिर सीपरी के कार्यकर्ताओं पे ले लो टिकट, मतलब टिकट को डलिया में रख के बेचते फिर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के टिकट का कोई मोल ही नहीं लगा रहा था। जब मोल नहीं लगा उस टिकट का, किसी ने मोल नहीं दिया, किसी ने भी उनको टिकट को तवज्जो नहीं दिया, तो उनने एक लोधी को पकड़ा दिया। तो ये काय का खामियाजाना है कि उनने 30 साल से किसी भी समाज को नेता नहीं बनने दिया। उसका खामियाजाना आज पहली बार मध्य प्रदेश में, देश में ऐसा हुआ है कि लोग टिकट के लिए मरते हैं लेने के लिए। जी भाई साहब, अगर भाजपा से आप विधायक चुन के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? अरे पहली प्राथमिकता तो सबसे पहले जिला बनाएंगे, और जिला यदि बना तो ऐसे कितने रोजगार निकलेंगे लोगों के, सारे विभाग आएंगे उसमें से रोजगार निकलेंगे, और जो विभागों में कर्मचारी भी होंगे तो कर्मचारी लगेंगे। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी जिला बनाना। दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी यहाँ का नौजवान जो वास्तव में ही मारा मारा फिर रहा है, परदेशों में नौकरी करने जाता है बेचारा, मजदूरी करने जाता है, उसके लिए यहाँ रोजगार दिलाना दूसरी प्राथमिकता। तीसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि 30 साल में इनने कांग्रेस ने एक ही काम किया है, भाई से भाई को लड़ाया, समाज को समाज से लड़ाया। तो ऐसा खाइयाँ पैदा कर दी, दीवार खड़ी कर दी है इन्हें समाजों के अंदर, भाइयों के अंदर, वो तोड़ के सारी समाजों को एक मंच पर ला के उनमें प्रेम की गंगा बहानी है। मुझे प्रेम की गंगा बहानी है यहाँ प्रीतम सिंह जी ने कहा, और सामने हमारे सांसद जी भी खड़े हुए हैं डॉक्टर केपी यादव जी। सर, भाजपा ने प्रीतम सिंह जी को टिकट दिया और आज नामांकन दाखिल किया उन्होंने, आप भी साथ में आए, क्या कहेंगे? निश्चित ही प्रीतम जी बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और ये जब डबल इंजन की सरकार बनेगी और इस क्षेत्र का विधायक बनेगा तो निश्चित ही आप परिवर्तन देखेंगे। और इस क्षेत्र में जो है, जैसा कि प्रीतम जी ने कहा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और चाहे नौजवानों को रोजगार की बात हो, यहाँ के लोगों की पीड़ा उनने समझी है, उन्होंने यहाँ के लोगों के बीच में रहे हैं, उनके सुख दुख में रहे हैं, निश्चित ही यहाँ के लिए बहुत सारी सौगातें मिलने वाली। जी, प्रीतम सिंह जी ने कहा कि सबसे पहले जिला बनाया जाएगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो बिल्कुल ये पिछोड़ जो है मुख्य धारा से बड़ा दूर था, क्योंकि यहाँ के जो विधायक साहब थे उन्हें सिर्फ खुद की चिंता थी, बाकी जनता की चिंता नहीं थी, इसीलिए इस बार इतना उनका विरोध है कि वो यहाँ से खुद ही भाग गए हैं। और निश्चित ही इस बार जब प्रीतम जी आएंगे तो यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेंगे और इस क्षेत्र के लिए बहुत काम करेंगे। इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ काम करेंगे प्रीतम सिंह लोधी जी, सांसद जी ने बताया। सचिन जी, और कुछ भी कहना चाहते हैं प्रीतम सिंह जी? एक मिनट, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के कांग्रेस के
जो वास्तव में विधायक हैं वो किस हद तक गिर जाएंगे ये यहाँ की जनता भी जानती है, सब लोग जानते हैं। मैं अवगत कराना चाहता हूँ, जो निर्दलीय फार्म डाल रहे हैं भैया अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना, क्योंकि वो उपचुनाव भी करा सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह भैया सबसे हाथ जोड़ के नहीं, अपनी जो निर्दलीय डाल रहे हैं वो सुरक्षा रखें अपनी पूरी पूरी। ये उनकी भूमिका रही है।